जय हिंद दोस्तों, और मैं आवलदार सीमांचल बारिक एक खास वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका डिमांड था। और मैं बताऊं, बहुत ही और प्रॉब्लम से महिला जूझ रहे, लड़कियां जूझ रहे, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं ना तो इसमें साइंस पढ़ा हूं और ना मैं उसमें क्वालिफाई हूं, लेकिन यहां आके जो प्रॉब्लम होते हैं इनके और ये ठीक कैसे होते हैं मैं बताऊं। वो बीमारी का नाम है और PCOD और PCOS, जो कि आपको प्रॉब्लम होने से किस प्रकार उसको दूर करें और किस प्रकार आपको फिटनेस लाना है और बीमारी से लाइफ टाइम कैसे चेंज होना है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हमारे आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्य से ये महिला आए हैं और अलग अलग, मैं पूछना चाहूँगा कहाँ से। मैडम आप कहाँ से बताइए? दिल्ली। किधर ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है? नेहा बताओ कहाँ से? झारखंड से है। ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है? मैम बताइए कहाँ से? ये दुबई से आई है। जोरदार ताली मारो। दुबई से बहुत कम दिन के लिए छुट्टी लेकर आए। ट्रेनिंग कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। और महाराष्ट्र मुंबई आप लोकल है? किधर है? मुंबई पनवेल। पनवेल मुंबई? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग राज्य से आए हुए, केवल फिटनेस के लिए आए हैं और हमारे पास केवल फिटनेस और डिफेंस का ट्रेनिंग होता है। तो मैं ये जो मेन मुद्दा है, जो कि आपको जो प्रॉब्लम होता है PCOD PCOS, तो ये किस कारण होता है मैं बताऊँ। ये तीन चार कारण होते हैं जिसमें आपको ये जूझना पड़ रहा है। अगर ये समय रहते हुए आप अगर सही नहीं किया बीमारी, तो ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसका नाम है PCOS, जिसको बीमारी सबसे पहले आपको मोटापा पहले ग्रस्त करता है, ये बीमारी को सबसे पहले लेता है। अदरवाइज आपका जेनेटिक, आपके माँ मौसी ये सब होते हैं तो उनके थ्रू भी ये हो सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाके अगर पेट में दर्द होता है तो आप जाके डाइट सोनोग्राफी कराइए, उसमें रिजल्ट आएगा, या ब्लड टेस्ट कराइए। अगर आपको लग रहा है तो ये अगर पॉजिटिव आया, यानी कि रिजल्ट में ये दोनों में से कोई भी आया, दोनों एक ही बीमारी है, केवल इसका लास्ट शब्द बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, एक होता है डिजीज, दोनों एक ही बीमारी है। ये नॉर्मल माइनर बीमारी है, जैसे कि आपके बाल झड़ना ये लक्षण है, आपके फेस में मुहासे आना ये भी एक लक्षण है, और बाल आना फेस में ये भी एक लक्षण है। तो ये अगर आपको होता है तो इसका जड़ यही है, आपको हल्के धूप में मेहनत करना है। मेहनत वो है जो कि आपको सांस फूलने वाले जितने भी एक्सरसाइज है, यानी कि आपको इंड्योरेंस, हाई इंड्योरेंस वर्कआउट करना है, जिससे ये बीमारी आराम से दूर हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है। और दूसरी बात, आप जो जंक फूड खाते हो उसके कारण भी होता है, और खाने के बाद आप वर्कआउट नहीं करते इसके कारण होता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फर्स्ट सलाह यही देंगे, आप अपने वजन को कंट्रोल में लाइए और कम करिए। तो इसलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है, यहाँ हमारे काफ़ी सारे महिला आए हैं जो कि 6-6 महीने 11-11 महीने तक जिनके पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको लग रहा है आपका मंथली टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, 15 दिन में होता है या 20 दिन में होता है, तो ये समझ लेना आपको अंदर कोई ना कोई अनफिट है, आप शरीर के अंदर, पेट के अंदर, पेट मजबूत नहीं है, इसलिए ये कारण हो रहा है। तो आप पहले, सबसे पहले आप फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान है। यहाँ हमारे जितने भी आए हैं सबका प्रॉब्लम दूर हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ अपना मेहनत मिनिमम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आपको रनिंग करना है, और रनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ABC ड्रिल आप इख्तियार करना है, जिसमें आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा सांस फूले और आपका बॉडी फिटनेस लाए। तो एक छोटा सा संदेश है, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आप तुरंत प्रभाव से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो डाल रखा हूँ, एक एक महिला थे जो कि 11 महीने से मंथली डेट नहीं आ रहे थे और 18-19 केजी वजन डाउन करके अभी बहुत बिल्कुल दुरुस्त, और दवाई बिना दवाई के अभी पूरा सेम टू सेम मंथली आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बिल्कुल फिट है। अगर जैसे ये कार्रवाई होती है तो आपको सबसे पहले बीमारी आता है गैस्ट्रिक, उसके बाद आपका थायराइड से ये बीमारी जबरदस्त फैलाता है, इसलिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करना है। वीडियो छोटा सा संदेश है, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।